रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नामिका। आज भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि है और आज देव ऋषि को तर्पण करने के साथ ही पितृ पक्ष आरंभ हो जाएगा। गुरुवार को अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से लोग अपने पितरों को तिल जौ से तर्पण कर उनका आशीष प्राप्त करेंगे। पितृपक्ष का समापन 17 सितंबर को होगा और धर्म के जानकारों के अनुसार पितरों को जल और तिल से तर्पण करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है, शांति मिलती है और उनका आशीष जो है वो परिवार पर बना रहता है। पितरों के तर्पण का कार्य गंगा तट, नदी, तालाब में करने का विधान है। पटना के ज्योतिष दीपक मिश्र के अनुसार कुंडली से पितृ दोष की शांति, पुरखों का आशीष एवं पितरों की तृप्ति के लिए गुरुवार से तर्पण का कार्य जो है वो आरंभ हो जाएगा। मान्यता है कि अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक पूरे 15 दिनों तक यमराज पितरों को मुक्त करते हैं और इसके बाद सभी पितर अपने अपने हिस्से का ग्रास लेने के लिए अपने वंशजों के समीप आते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। 17 सितंबर को सर्वप्रति अमावस्या पितृ विसर्जन है। पितृपक्ष के दौरान सर्वप्रति अमावस्या का विशेष महत्व है। जिन लोगों को अपने पितरों के मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है वो सर्वप्रति अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। सर्वप्रति अमावस्या 17 सितंबर को है और 17 सितंबर को पितृ विसर्जन का महालय पर्व संपन्न होगा। स्थिति को सूर्योदय से लेकर के शाम 4:56 तक पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण को दान पुण्य कर आशीर्वाद और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण इस बार गया और पुनपुन में पितृपक्ष मेला जो है वो नहीं लग रहा है। श्रद्धालुओं को इन तिथि में पिंडदान और तर्पण का मौका इस साल नहीं मिलेगा, तो बेहतर है कि इस बार अपने घर में या फिर बगल के किसी जलाशय के पास ही तर्पण कर ले। भीड़ वाले स्थलों पर जाने से बचना बेहतर होगा। अगस्त्य ऋषि तर्पण बुधवार, 2 सितंबर पितृपक्ष आरंभ, गुरुवार 3 सितंबर चतुर्थी श्राद्ध, रविवार 6 सितंबर मातृनवमी, शुक्रवार 11 सितंबर इंदिरा एकादशी, रविवार 13 सितंबर चतुर्दशी श्राद्ध, बुधवार 16 सितंबर अमावस्या महालय व सर्वप्रति विसर्जन, गुरुवार 17 सितंबर मलमास आरंभ। 17 सितंबर शाम 4:56 से लेकर के 16 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।